मध्य देश में सत्ता में बीजेपी, 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार, आधे देश में खिला कमल, अरुणाचल में भी सरकार में बीजेपी, देश में बीजेपी की बयार चल पड़ी है और अरुणाचल में सरकार में शामिल होते ही बीजेपी की देश के 14 राज्यों में सरकार बन जाएगी या सरकार में शामिल हो जाएगी। बीजेपी ने फैसला किया है कि वो अरुणाचल प्रदेश सरकार में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली पीपीए सरकार में बीजेपी के तामियो तागा के मंत्री के तौर पर शामिल होने की बात कही जा रही है। पिछले करीब एक साल से अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल होती रही। पिछले साल खांडू और उनके मंत्री कांग्रेस का हाथ छोड़कर अरुणाचल पीपुल्स पार्टी में शामिल हुए थे। बता दें, अरुणाचल विधानसभा में 60 सीटें हैं। इसमें अरुणाचल पीपुल्स पार्टी के 43, बीजेपी के 11 और कांग्रेस के सिर्फ एक सदस्य, 2 MLA निर्दलीय हैं और 3 सीटें खाली हैं। पीपीए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का सदस्य है, जो NDA का ही एक हिस्सा है। अक्टूबर से पहले सप्ताह में खांडू ने पीएम मोदी और बीजेपी चीफ अमित शाह से मुलाकात की थी। तब उन्होंने बीजेपी से सरकार में शामिल होने की पेशकश की थी। बीजेपी सरकार का हिस्सा बनती है तो इससे सरकार में एक स्थिरता आएगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ काफी हिस्सा शेयर करता है। ऐसे में अरुणाचल और बीजेपी दोनों के लिए ये फायदे की बात है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।